everyone, welcome to the channel Information Tree, the tree that gives you knowledge. Do like, share and subscribe the channel and press the bell icon for the latest notification. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो M.Pharm में एडमिशन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ GPAT, जिसमें GPAT के बेसिस पे ही एडमिशन होगा. तो मैंने ये लिस्ट बनाई है कुछ कॉलेजेस की जो आपको हेल्पफुल होगी आपके डिसाइड करने में कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है. और ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज होंगे. तो इसमें से मैंने ऑल ओवर इंडिया में से काफ़ी कॉलेज को कवर किया है. तो ये मोर देन 30 कॉलेजेस हैं. तो मैं आपको ये दिखाता हूँ अभी कौन कौन से कॉलेज हैं. मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, सो दैट कि उन्हें भी पता चले कि कौन कौन से कॉलेज हैं M.Pharm के लिए जो एडमिशन देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ GPAT. तो स्टार्ट करते हैं कौन से कॉलेजेस हैं. तो जैसे ICT मुंबई, ये तो सबको पता ही होगा, काफ़ी फेमस कॉलेज है. डिप्सा दिल्ली में है. गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी खरड़, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज चंडीगढ़, जो कि PU के नाम से भी जानी जाती है. तो ये कुछ कॉमन फेमस कॉलेज थे जिनमें GPAT के बेसिस पे एडमिशन होता है M.Pharm में. फिर आता है हिसार का गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, फिर पटियाला में वाली पंजाबी यूनिवर्सिटी, फिर एक ये मध्य प्रदेश का कॉलेज है डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय, फिर MDU यूनिवर्सिटी, MDU रोहतक, SLT इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज बिलासपुर. तो ये कुछ और कॉलेजेस हैं जो आपको M.Pharm के बेसिस पे एडमिशन, GPAT के बेसिस पे एडमिशन देंगे M.Pharm में, और ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं. फिर आता है गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जिसको गोवा में एडमिशन लेना है वो ले सकता है इस कॉलेज में. इन सब कॉलेज की अलग अलग एलिजिबिलिटी होगी, क्योंकि वो स्टेट प्रेफरेंस होती है कि अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को पहले एडमिशन देंगे, प्रायोरिटी देंगे. तो आप इस कॉलेज की इंस्टीट्यूट्स की साइट पे जाके आप देख सकते हैं. अब ये कुछ और कॉलेजेस हैं जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड़े, BK मोदी गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज राजकोट, महात्मा ज्योतिबा फूले यूनिवर्सिटी रायबरेली, बरेली ओनली, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय तिरुपति. तो ये कुछ और कॉलेजेस हैं. तो ऐसे ही ये और कॉलेजेस हैं. तो मैं इन सब की लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, सो दैट कि आप वहाँ से सीधा डायरेक्ट कॉपी करें और गूगल में पेस्ट करें, सो दैट आप उस इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो ये और कॉलेजेस हैं जैसे गवर्नमेंट गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी विश्वविद्यालय भोपाल, जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी ककिनाड़ा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर, काफ़ी फेमस है ये भी. तो ये कुछ और कॉलेजेस हैं, ये बाकी के बचे और कॉलेजेस. तो इन सब की लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो बस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बना रहे, बस ये शॉर्ट में था कि लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो GPAT के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, और ये गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट बनाइए. तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है. बाकी मैंने एक वीडियो और बना रखी थी जिसमें एडमिशन जो बताया मैंने कि बेस्ट कॉलेज ऑफ फार्मेसी आफ्टर GPAT, कुछ 2-3 कॉलेज के बारे में बताया है मैंने उसमें अच्छे से प्लेसमेंट को क्राइटेरिया लेके. आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट में प्लीज़ मेंशन बताएं कि कैसी लगी है आपको वीडियो. और अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.